नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। 100 शहर 100 खबर में बाराबंकी पहुंचे ओवैसी ने साधा सरकार पर निशाना। यूपी में हो रहा है लोगों पर जुल्म, बीजेपी बनाना चाहती है देश को हिंदू राष्ट्र। अलीगढ़ में बनने वाले जाट राजा महेंद्र विश्वविद्यालय के मॉडल को सीएम योगी ने किया रद्द। इंजीनियर्स को किया गया तलब, कहा ऐतिहासिक और वैभवशाली बनना चाहिए विश्वविद्यालय। यूपी में वायरल बुखार के कहर के बीच राजनीति जारी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर साधा यूपी सरकार पर निशाना, कहा बड़ी चिंता का विषय, सरकार को ध्यान देने की है जरूरत। केजीएमयू के कुल सचिव और पूर्व कुलपति पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी जांच। सीएम योगी ने दिए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को जांच के आदेश। जन शिकायतों को लेकर सीएम योगी गंभीर, कल वर्चुअली करेंगे सभी डीएम और पुलिस कप्तानों के साथ बैठक। कानून व्यवस्था पर भी करेंगे समीक्षा। आज अयोध्या में किया जाएगा कल्याण सिंह का अस्थि विसर्जन। बेटे राजवीर आज लखनऊ से अस्थियां लेकर पहुंचे अयोध्या। सितंबर के अंत में पीएम मोदी का यूपी दौरा प्रस्तावित। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। यूपी में बाहुबलियों की एंट्री पर बीजेपी का विपक्ष पर निशाना। ट्वीट कर पोस्टर जारी कर किया वार, कहा आइए आपका ही इंतजार था, मोस्ट वांटेड मोस्ट वेलकम। बागपत में अज्ञात बदमाशों ने मारी सिपाही को गोली, गंभीर हालत में गाजियाबाद रेफर। अंसारी बंधुओं की बीएसपी से हो सकती है विदाई, सूत्रों के हवाले से खबर। सपा से नजदीकियों के चलते अंसारी बंधुओं पर फैसला कर सकती है बीएसपी सुप्रीमो। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में बीजेपी, पीएम मोदी के आगमन सहित चुनावी प्रबंधन को लेकर लखनऊ में अहम बैठक। यूपी चुनाव को लेकर वाराणसी क्षेत्र के नवनियुक्त प्रभारी सुनील ओझा ने दिया बयान, कहा योगी सरकार ने जमकर किया विकास कार्य। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साधा निशाना, कहा वो परिवर्तन यात्रा कर रहे, हम कर रहे हैं अपना काम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा हम कर रहे जनता का काम, अब जनता तय करेगी किसे जिताना है। उत्तराखंड में निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान, कहा बीजेपी के विकास कामों को देखकर लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सीएम धामी ने कहा लगातार मिल रहा है लोगों का समर्थन, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां लेकर जनता के पास जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दल बदलू नेताओं पर साधा निशाना, लिखा उत्तराखंड में अधिकतर नेता पैसा और पद के लोभ में बदलते हैं पार्टी। हरीश रावत ने पोस्ट में लिखा दल बदलू नेता जिस दल में जाते हैं वो दल बार बार रोता है, जनता से ऐसे नेताओं को चुनाव में सबक सिखाने की अपील। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो में मारी टक्कर, हादसे में टेम्पो चालक की मौत। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके में आतिशबाजी, कारखाने में आग से मकान ढहा, हादसे में दो लोग झुलसे। मुरादाबाद में कुश्ती मैच में पहलवान की गर्दन टूटने से मौत, कुश्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर की मोहाली सीट से बीजेपी विधायक का वीडियो हुआ वायरल, फोन पर गरीबों का घर गिराने वालों को जूते से पीटने की कही बात। लखनऊ के कैसरबाग बस डिपो वर्कशॉप में खड़ी बस में अचानक से आग लगी, मौके पर धू धू कर जली बस। ललितपुर में लगातार चोरी की घटनाओं से आम लोग परेशान, एसपी ने मामले के खुलासे के लिए टीम का किया गठन। ग्रेटर नोएडा में मजदूरी के पैसे मांगने पर पीजी संचालकों ने मजदूर को पीटा, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगा आरोप। कानपुर के बिधनू थाने में 5 पुलिसकर्मियों को डेंगू से हड़कंप, अन्य पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराने की दी गई सलाह। शामली के थाना भवन इलाके में पूर्व प्रधान के घर रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में सरकारी स्कूल की महिला शिक्षिका ने क्लर्क पर लगाया आरोप, मामले में DIOS ने दिए जांच के आदेश। कानपुर के बजरिया थाना इलाके में बाइक सवार बदमाश महिला की चेन लूटकर फरार। भदोही की सुप्रिया बरनवाल ने एक पोस्ट कार्ड पर 21,100 बार राम राम लिखकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। महाराजगंज में हरतालिका तीज को लेकर महिलाओं में उत्साह का माहौल, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शामली के कैराना कोतवाली इलाके में बीजेपी नेता की पत्नी के हादसे में मौत के बाद परिवार में शोक की लहर। कन्नौज में वैश्य समाज के लोगों ने फिल्म सोनम गुप्ता बेवफा है के खिलाफ किया प्रदर्शन, वैश्य समाज का बताया अपमान। शामली के थाना भवन इलाके में डकैती के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, 2 महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार।
देवरिया में प्रस्तावित कृषि विज्ञान केंद्र की जमीन का आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया निरीक्षण। चंदौली के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस के सड़क पर जबरन रोके जाने पर ट्रक में कंटेनर ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में कंटेनर चालक बुरी तरीके से जख्मी। सोनभद्र में निजी कंपनी चोरी छिपे प्रतिबंधित पेड़ों को काटने में जुटी, वन विभाग को नहीं है कोई जानकारी। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक को मौत के घाट उतारा। लखनऊ में यूपीएसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ की ठगी के आरोपी को दो साथियों के साथ किया अरेस्ट। विधायक विजय मिश्रा के फरार बेटे की तलाश में जुटी टीमें, एसटीएफ और गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने मारा छापा। बलिया में प्राथमिक स्कूल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बनवाया जा रहा है मिड डे मील का भोजन। अमरोहा के रालौद कार्यकर्ताओं ने टीजीटी परीक्षा केंद्र को दूर बनाने का किया विरोध, परीक्षा केंद्र को स्थानीय स्तर पर कराने की मांग। यूपी के 36 जिलों में 3 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी के अंदरूनी विवाद पर प्रीतम सिंह का बड़ा बयान, हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ हैं हमारे साथी, इशारों इशारों में दिया कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। टिहरी के जीआईसी में शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन, कॉलेज में शिक्षकों के पद को भरने की हो रही है मांग। उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग के कामकाज पर आपने खड़े किए सवाल, आउटसोर्स कंपनी पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। धर्मनगरी हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर शराब पीकर नहीं जा सकेगा कोई, प्रवेश द्वार पर जल्द लगाया जाएगा एल्कोमीटर। जसपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु, भगवान गणेश की कई तरह की प्रतिमाओं को किया गया तैयार। ब्रिक्स सम्मेलन में आज अफगानिस्तान मुद्दे पर होगी चर्चा, पीएम मोदी करेंगे शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। आखिरकार ड्रैगन ने दिखा दिया असली रंग, तालिबान की खूंखार सरकार को दी मान्यता। तालिबान की अंतरिम सरकार पर मोहर के साथ चीन की एक और चाल, 2 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का दिया आर्थिक पैकेज। तालिबान का बड़ा भाई बनने की फिराक में पाक पीएम इमरान खान, स्कूल कॉलेजों में महिला टीचर्स के टाइट कपड़े पहनने पर लगाई पाबंदी। इमरान सरकार ने पुरुष टीचर्स पर भी लगाई पाबंदी, क्लास के दौरान जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक। नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा ऐलान, तालिबान के बाद अब अपनी कैबिनेट बनाएगा एनआरएफ, कहा नई कैबिनेट का ऐलान जल्द। पंजशीर में अहमद मसूद के नेतृत्व में नई सरकार का होगा गठन, नॉर्दर्न अलायंस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को बताया असंवैधानिक। सत्ता में आते ही तालिबान के समावेशी दावों की निकली हवा, अब क्रिकेट और दूसरे खेलों में शिरकत नहीं कर सकेंगी अफगान महिलाएं। महिलाओं को खेलों से दूर करने पर तालिबान सरकार की दलील, कहा स्पोर्ट्स के दौरान महिलाओं के जिस्म की होती है नुमाइश। तालिबान के नए शिक्षा मंत्री का अनोखा ज्ञान, कहा आज के समय में पीएचडी और मास्टर्स की डिग्री जरूरी नहीं। तालिबान ने तोड़ी अहमद शाह मसूद की मजार, पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान का कहर। मूर्तियों को तोड़ने वाले तालिबान ने मजार को भी नहीं बख्शा, 2001 में अलकायदा आतंकियों ने की थी शाह मसूद की हत्या। अफगानिस्तान में आवाम के बढ़ते विरोध से डरा तालिबान, प्रदर्शन से पहले महिलाओं को लेनी होगी इजाजत, प्रदर्शन की जगह समय और नारे बताने जरूरी। सरकार गठन के बाद और खूंखार हुए तालिबानी, सरेआम महिला पर बरसाए कोड़े, अकेले घर से बाहर निकलने पर महिला को पीटा। काबुल में पत्रकार पर तालिबानी, जुल्म की आई तस्वीरें, बंधक बनाकर पत्रकार को बंदूक और जूते से पीटा। बंधक बनाए गए पत्रकार की पीठ पर औजार से लिखे नंबर, तालिबानी जुल्म के बाद पत्रकार को सड़क पर फेंका गया। काबुल में तालिबानी क्रूरता की तस्वीरें आई सामने, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर बरसाए गए डंडे। काबुल में तालिबानी आतंक का विरोध कर रही थी महिलाएं, प्रदर्शन से बौखलाए तालिबान के लड़ाके। अफगानिस्तान की क्रूरता पर मासूम को आया गुस्सा, पाकिस्तान और तालिबान मुर्दाबाद के लगाए नारे। अफगानिस्तान में सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री अखून का आया पहला वीडियो, हकीम हक्कानी के साथ नजर आया अखून। 9/11 की 20वीं बरसी पर बड़े जश्न, जलसे की तैयारी में है तालिबान, 11 सितंबर को सरकार बनाने की खुशी में जश्न मनाएगा तालिबान। काबुल में तालिबानी सरकार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, धीरे धीरे अपनी असलियत पर उतर रहा है तालिबान। दिल्ली में रूस की एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, अफगान संकट से लेकर तमाम वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। बैठक में एनएसए डोभाल बोले, अफगानिस्तान में अनिश्चितता का माहौल, रूस के एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अफगानिस्तान पर की चर्चा। अफगानिस्तान के हालात पर पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जारी किया बयान, कहा मुझे अफगानिस्तान छोड़ने का बेहद दुख है।
अशरफ गनी ने कहा, काबुल में खून खराबा रोकने के लिए लिया फैसला, मेरे लिए काबुल छोड़ना बेहद कठिन फैसला था। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति का अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स काउंसिल पर तंज, अफगानिस्तान मामले में चुप्पी पर उठाए सवाल। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि अफगानिस्तान में लोगों के साथ क्रूरता पर मानवाधिकार संगठनों ने कोई कदम नहीं उठाए। यूएई की अफगानिस्तान को बड़ी मदद, 4 टन खाद्य सामग्री और दवाएं लेकर काबुल पहुंचा विमान। करनाल में लघु सचिवालय के बाहर जारी है किसानों का धरना, पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग पर प्रशासन से अब तक नहीं बनी बात। मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर किसानों के धरने का तीसरा दिन, सुरक्षा के मद्देनजर आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान भारी संख्या में तैनात। राकेश टिकैत का ऐलान, कहा करनाल में डटे रहेंगे हरियाणा पंजाब और यूपी के किसान, एसडीएम पर कार्रवाई समेत 3 मांगों पर अड़े। लघु सचिवालय के बाहर डटे किसान संगठन, राकेश टिकैत का बयान, कहा एसडीएम आयुष सिन्हा को बचवाने में जुटी है खट्टर सरकार। प्रशासन से बातचीत विफल होने के बाद राकेश टिकैत का ट्वीट, लिखा इंसाफ मिलने तक करनाल में जारी रहेगा किसानों का हल्ला बोल। 3 मांगों को लेकर करनाल में डटे हैं किसान, लाठी चार्ज करवाने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की मांग। किसानों की मांग पर करनाल के डीसी निशांत यादव का बयान, कहा जांच किए बगैर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं किसान। करनाल में किसान लाठी चार्ज को लेकर विपक्ष के निशाने पर हरियाणा सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, न्यायिक जांच के दिए होते आदेश तो नहीं होते ऐसे हालात। झारखंड के बाद यूपी विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे की मांग पर एमपी में सियासत, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, रोकनी होगी जुन्ना की संस्कृति। एमपी के 13 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी के साथ इमरजेंसी में कामकाज रहा बंद। एमपी के छतरपुर में फायरिंग करने वाले अपराधी पर प्रशासन सख्त, जेसीबी से गिराया राकेश यादव का मकान, मौके पर मौजूद था भारी पुलिस बल। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के पिता की गिरफ्तारी से गरमाई सियासत, बीजेपी बोली नाखून कटाकर शहीद बनने की कोशिश में सरकार। बिहार में बाढ़ और सूखे को लेकर सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग, आपदा प्रबंधन विभाग के साथ किया मंथन। बाढ़ और खाद की किल्लत को लेकर बिहार सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा कुंभकर्ण की नींद सो रही है डबल इंजन की सरकार। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले नेता चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के कार्यक्रम का दिया न्योता। पटना में जेडीयू की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत, पार्टी नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बैठक। तेज प्रताप ने जारी किया अपने नए संगठन का सिंबल, हाथ के साथ लालटेन को बनाया अपना सिंबल। बिहार में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन, सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जताया शोक। गणेश उत्सव की तैयारियों में जुटी शिल्पा शेट्टी, इस बार राज कुंद्रा के बिना दुख हरता, भगवान गणेश को घर लाई शिल्पा। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया को मिलेगी कैप्टन कूल की क्लास, हेड कोच रवि शास्त्री को असिस्ट करेंगे महेंद्र सिंह धोनी।